हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो सुबह के अभी बजे 10 और संदीप यहाँ पे कर रहे हैं चाय नाश्ता, और मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये संदीप का पाँव है जो कि कल ये अपने काम से गए थे, तो वहाँ पे सीढ़ियों पे कहीं इनका पाँव में मोच आ गई, तो ये पूरा सीढ़ियों से मतलब के पाँव फ्लिप हो गया मेरा सीढ़ी में। हाँ, पूरा अंगूठे के साथ मुड़ गया। पाँव सीढ़ियों पे चल रहे थे ना गाइस, तो ये सीढ़ियों से उनका पाँव स्लिप हो गया, ऐसे मतलब टेढ़ा हो गया, तो ये 2-3 सीढ़ियां नीचे शायद तो गिर गए थे। ऐसे करो, पाँव ऐसे करो, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सब चोटें आई है इनको। अब बात क्या है कि कल रात को आए ना, मुझे फोन पे बताया तो मुझे तो टेंशन हो गई कि क्या हुआ पता नहीं, तो भी इनको लगने के बाद भी 2 घंटे के बाद मुझे बताया है कि मुझे ऐसा लगा है पाँव में। उसके बाद भी लगने के बाद भी ये तो अपना काम ही कर रहे थे, यहाँ से वहां, मतलब इनको कोई फील नहीं हुआ ज्यादा कि भाई मुझे लगा है कि क्या। लेकिन घर पे आए थे ना तभी इनका पाँव तो सूजा हुआ था गाइस, अभी भी आप लोगों ने देखा सूजन तो है, लेकिन इनको क्या लगा कि बस मेरा थोड़ा पाँव ऐसे मुड़ गया है ना, तो ऐसे सूजन है नॉर्मल और कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो भी मैंने रात को इन्होंने रात को कहा कि मुझे हल्दी लगा के दो, हल्दी से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, चलो तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं, पाँव दिखा लें, एक्सरे वैक्सरे निकाल लें, तो पता चलेगा कि क्या है। लेकिन ये नहीं माने मेरी और मुझे कहा कि नहीं, मुझे हल्दी लगा के दो, मुझे गर्म करके। तो अभी इन्होंने मुझे कहा कि हल्दी मुझे लगा के दो तेल में गर्म करके, तो ठीक हो जाएगा, ऐसा ज्यादा नहीं है। तो मैंने तो वो किया जो इन्होंने मुझे कहा, लेकिन फिर भी मुझे मन को तसल्ली नहीं थी, मुझे था कि इनको कुछ है अंदर ज्यादा ही है, क्योंकि सूजन थी रात को भी और अभी भी देखे ये उठे है ना, तो अभी सूजन तो है ही। ये रात को हल्दी लगाई थी तेल में, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या लग रहा है अभी आपको? रात को मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, हार्डवेक जो खींच खाच के अपने स्पीड कर देता है पैर। हाँ, मुझे ऐसा मोच आ गई है तो हो जाएगी, पर रात से अभी थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन तो थोड़ी मुझे कम लग रही है रात से। सूजन है संदीप यहाँ पे, ये देखो ये पूरा सूजा हुआ है यहाँ पे है ना, ये देखिए गाइस, ये ना यहाँ पे ये पूरी नस जो है ये ऊपर चढ़ गई है और ये सूज गया है पाँव यहाँ से, और ये भी संदीप ये पूरा सूजा हुआ है। हाँ, अच्छा, हार्डवेयर के बाद क्यों डर रहे हो जाने के लिए? अभी जो करेगा अभी सहन करना पड़ेगा ना। आपने इनको हार्डवेयर के पास जाने में डर लग रहा था तो ये रात को नहीं चले मेरे साथ उनको दिखाने के लिए, बोलो, और चला है। और अभी जब मुझे तो पता था जब सुबह पाँव नीचे रखेंगे ना सोने के बाद, मुझे ऐसा था कि रेगुलर वाली मोच है तो हल्दी लगाएंगे तो निकल जाएगा, पर वो सुबह पता चला क्योंकि मैं ये होने के बाद 2 घंटे में बाजार में चल के आया हूँ, तो मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा कि मूविंग कर दिया है ना तो अभी इतना नहीं होगा, समझा? पैर को हिलन चिलन किया तो मुझे ऐसा था कि सुबह तक ठीक हो जाएगा, पर वो अभी लग रहा है थोड़ा कि अभी दिखाना पड़ेगा, नहीं भी दिखाऊँ तो भी चले, पर एक बार दिखा देगा तो सही है। अभी जब ये नींद में से उठे तो पाँव उन्होंने नीचे रखा, तो उनको ऐसे लगा कि नहीं मैं नीचे नहीं रख पा रहा हूँ पाँव, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। आज सुबह संदीप वैसे ये ही जाते हैं नक्श को स्कूल छोड़ने, स्कूल वगैरह भी नक्श को आज मैं ही गई थी छोड़ने के लिए। तो अभी बस हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता, तो चलिए गाइस मैं भी रेडी होकर चाय नाश्ता करके अब इन्हें लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, देखते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं भी रेडी हूँ, संदीप भी रेडी है, वो निकल रहा है, और चलिए अब मैंने डॉक्टर को दिखा के हूँ गाइस। तो चलिए गाइस अब रेडी, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी, संदीप पीछे बैठेंगे। लो वैद्य, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत पुराने हार्ट वैद्य, ये उनके पास आते हैं सब लोग जब भी कुछ होता है, मोच का इसका कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ पे आते हैं। और मैंने गाड़ी वहाँ रखी है अंदर, क्योंकि यहाँ पे सब देखिए ये काम चल रहा है, तो यहाँ तक गाड़ी नहीं आई, तो संदीप को भी यहाँ तक चल के आना पड़ा, तकलीफ हुई थोड़ी लेकिन चल के आना पड़ा यहाँ पे, और हम लोग आ गए हैं अभी। देख।
यहाँ पे तो भीड़ लगी पड़ी है, ये सब बैठे हैं, टाइम लगेगा अंदर जाने में, टाइम लगेगा। कराई दो, एक्सरे कराई दो, क्या था सर? ओम एक्सरे। तो गाइस मुझे यहाँ से तो गाड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी संदीप को एक्सरे करवाने के लिए लेके जाना है, तो मैं गाड़ी वहाँ से वो साइड, वहाँ पे जगह है, हम यहाँ से आए हैं तो यहाँ पे उस साइड जाने की जगह नहीं थी, लेकिन मैंने उस साइड देखा तो जगह है वहाँ पे गाड़ी रखने की, तो यहाँ घुमा के मुझे यहाँ से गाड़ी लेके जानी पड़ेगी वहाँ पे, और संदीप को फिर पास में ही है एक्सरे वाला, तो वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इनके यहाँ पे एक्सरे की सुविधा नहीं है गाइस, ये हार्ड वैद्य मतलब ये, तो इनके पास एक्सरे मशीन नहीं है, तो मैं एक्सरे करवाने के लिए दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, वो भी पास में ही है, तो चलिए मैं गाड़ी ले लूँ और वहाँ से संदीप को ले लूँ। अभी हम यहाँ पे आए हैं एक्सरे करवाने के लिए, गाइस अभी एक्सरे करवाने लेके जा रहे हैं संदीप को। तो गाइस अभी संदीप के एक्सरे हो रही है, इनको रात को लगा था, मतलब अभी आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, लगा था रात को, अभी कल उन्होंने ना बोला, नहीं है मुझे ऐसा कुछ, शू तकलीफ है तुमने उनको? तेरो पग मेको जरा ऊपर, एक्चुअली रात्रे काले छे ने सीढ़ी मारी पड़ी गया छे, पग मचकोड़ाई गयो छे, अहिया तमने लागे सोजा जेवू, हां स्वेलिंग छे छे ने, એટલા માટે તેરો પગ નહી કાળો, હા એટલે કાલે કલ કહા થા ઇનકો, લેકિન યે કલ નહી માને, બોલો ઠીક હે કુછ નહી હે, અભી આયે હે કરવાને કે લિયે, ઉનકો સુબહ મે તકલીફ હુઈ, તો ગાઈસ અભી એક્સરે હો ગયા હે, અભી રિપોર્ટ 10 મિનિટ મે આ જાયેગી। संदीप धीरे धीरे हाथ धो ना, अभी 10 मिनट का वेटिंग है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी एक्सरे आने में 10 मिनट लगेंगे। तो गाइस एक्सरे आ गई, रिपोर्ट भी आ गई है, हिडन फ्रैक्चर डिस्प्लेसन सीन, और संदीप ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ ये रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसा बोल रहे हैं कि क्रैक नहीं है, तो चलिए अब देखते हैं हार्ड वेट क्या कहते हैं, उन्हें पट्टा बांधने की जरूरत है या नहीं है, या दवाई देंगे, पट्टा तो बांधेंगे नहीं, देखते हैं चलो। तो गाइस पहले मैंने गाड़ी वहाँ रखी थी, अब यहाँ से जगह है तो घूमा के यहाँ लेके आई हूँ, और यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे हार्ट रेट की शॉप है, तो बस गाड़ी मैंने यहाँ रखी है, तो यहाँ से ईजी पड़ेगा जाना, अभी एक्सरे निकाल दिया है, अभी वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। ये आंटी कल घर पे गिर गए रात को, इनको फ्रैक्चर है हाथ में, पूरा सूज गया है, ये तो भगवान छे बधु जोए छे। तो गाइस गुड न्यूज़ ये है कि क्रैक नहीं है और पट्टा तो नहीं बांधा, उन्होंने सिर्फ मशीन लगाई और दवाई दी है संदीप को, और कहा है कि बर्फ़ का सेक करना है, मतलब आपको 5-6 दिन सलंग बर्फ़ का सेक करना है, और घर में जो गर्म पट्टा आता है ना गाइस, वो कहा है बांधने के लिए, टूप लगा के वो बांधना है, उसमें ठीक हो जाएगा। एक्सरे में रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया, तो चलिए अच्छी बात है, चलो तो अभी गाड़ी चलाऊं मैं, नहीं गाड़ी नहीं चलानी है अभी आपको, थोड़े दिन गाड़ी मना किए चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में अगर कहीं हम रुकते हैं, इससे पाँव नीचे आ जाता है गाइस, तो तकलीफ हो जाएगी,
गाड़ी नहीं चलानी आपको। तो अभी आप मुझे छोड़ने आओगे, लेने आओगे, नक्स को लेने जाओगे? जो हुक्म आपका मैं तो सब करती हूँ वैसे भी। चलो चलो। तो गाइस नक्स का टाइम हो गया लेके आने का, तो मैं जा रही हूँ नक्स को लेके आने के लिए। नक्स के स्कूल का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ उसे लेके। तो नक्स के स्कूल आ गई हूँ, नक्स को ले लिया है। चलो नक्शु आ गया घर पे। नक्शु पापा को दिखा दिया डॉक्टर को, नक्शु एक्सरे भी निकाला। कहाँ है एक्सरे, कहाँ है? अभी ये सब देखेगा। देखा, एक्सरे निकलवाया, डॉक्टर को दिखाया। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दिखाओ मुझे, दिखाओ। देखो ये सीधा है और यहाँ पे थोड़ी सी सूजन है, देखो है ना? तो क्रैक नहीं है, सूजन भी नहीं, सूजन है थोड़ी, क्रैक नहीं है। नक्शु रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया बेटा, ऐसा कहा है डॉक्टर ने कि ये बर्फ की, बर्फ का सेक करना है आपको। तो तू करेगा ना पापा को दवाई दे दी है? पापा घर बैठेंगे, वो खुश हो गया गाइस कि पापा घर बैठेंगे। नक्शु खुश हो गया कि पापा, जितने दिन पापा को ठीक नहीं होगा तो पापा घर पे बैठेंगे। तुझे क्या पापा को घर पे बिठाना है? दिखाइए, ऐसा मत करे, एक्सरे खराब हो जाएगी। तो एक्सरे में तो कैसे देखते हैं? हाँ ऐसे, ये वाले एक्सरे में साइड में देखिए थोड़ी सी सूजन दिख रही है इसमें भी, बाकी सब ठीक है। तो गाइस खाना बन गया है, इन लोगों को मैंने दे दिया है। नक्शु भी यहाँ पे खा रहा है, संदीप भी खा रहे हैं। चलिए मैं भी खा लूँ। खाने में आज मैंने आलू मटर की सब्जी, रोटी, चावल और सलाद। खाना वाना तो हो गया है और ये संदीप सुन नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने काम पे। चाबी तो, चाबी कहाँ है? मैंने चाबी कहाँ रखी है? और उनको पता चला है कि एक्सरे में कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, तो अभी वो घर पे नहीं बैठ रहे, वो जा रहे हैं। नहीं जाओ, एक दिन बैठो, रेस्ट करो। नहीं मानेंगे, कल रात को भी ऐसा ही किया था। कल मैंने कहा था कि चले डॉक्टर के पास, तभी भी नहीं मानी और फिर सुबह फाइनली चले। चलो ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है, एक्चर वेक्चर नहीं है, ठीक हो जाएगा 5-6 दिन में। दवाई लेंगे और वो बर्फ का सेक करेंगे ना, तो ठीक हो जाएगा। चलिए नक्शु अभी खा रहा है खाना, मेरा तो हो गया, संदीप ने भी खा लिया।